पर डालो डाल करो। हाँ तो दोस्तों ये था रात के टाइम, होली के ठीक एक दिन पहले की रात का टाइम था और आस पड़ोस के बच्चों ने मिल करके ना यहाँ पे होलिका दहन जो होती है ना उस टाइप का किया था। बस आग जला दिया था और उन लोगों ने बस वहीं उसमें कुछ कुछ डाल रहे थे, जो भी चीज़ें पत्ते वगैरह मिल रहे थे। तो इस तरीके से एक छोटी सी होलिका दहन जो होती है ना वो बच्चों ने कर दी थी, आस पड़ोस के बच्चों ने मिल के। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन यूट्यूबर गुंजन। और आज है होली, जो आज होली मना रहे हैं उनके लिए होली की शुभकामनाएं, जो कल मनाएंगे उनको भी आज ही शुभकामनाएं। तो देखिए हम अपना सरकारी ऑफिस से काम कर रहे हैं क्योंकि आज होली का फेस्टिवल है, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारा चीज बन रहा है हमारे घर पे। आप सभी को सबसे पहले होली की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 18 तारीख है और बहुत जगह पे 18 को हो रही है, बहुत जगह पे 19 को हो रही है। और तो हम लोग ना 18 को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे सभी लोगों ने, क्योंकि आज परी की छुट्टी है और मैं भी अपना छुट्टी लगा रखा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ साउथ में छुट्टी, यहाँ पे छुट्टी नहीं होती है होली पे, तो इन्होंने अपना छुट्टी लगा के रखा हुआ है। और परी का छुट्टी था तो इसलिए यहाँ पे स्कूल में अगर छुट्टी जहाँ भी होगी ना आज ही है, और जहाँ बहुत जगह पे स्कूल में नहीं भी रहती है, इसके पहले तो बहुत टाइम पे नहीं भी रहा करती थी स्कूल में छुट्टी, क्योंकि शायद अब हो सकता है नॉर्थ के थोड़ा बच्चे ज्यादा हो गए हों तो लोग सोचते हैं कि चलो छुट्टी दे देते हैं, इसलिए हो सकता है छुट्टी होता। तो ये यहाँ पे पता है क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये अनियन को छील रहे हैं क्योंकि बहुत सारा काम है, मैं अभी व्यस्त हूँ इधर पुआ पकवान बनाने में। स्पेशल दिन है, स्पेशल कुछ गेस्ट आएंगे इसलिए स्पेशल हम लोग बना रहे हैं, और आप भी स्पेशल कुछ बना रहे हैं तो कमेंट कीजिए कब क्या मुर्गा या मटन का क्या हो रहा है, क्या बन रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि होली पे मतलब सारी चीजें बनती है, जितनी सारी चीजें हम लोग बना सकते हैं ना सब कुछ बनाते हैं। तो देखिए मैंने भी तैयारी कर ली है सारी, यहाँ पे मैं पुआ बना रही हूँ और पुआ जो है ना स्पेशल तरीके से बना रही हूँ, और रेसिपीज मैं सारी आप लोगों से शेयर भी कर दे रही हूँ, तो आप लोग एक बार देखिएगा जरूर और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे पुआ का जो पेस्ट है ना ये मैंने बिल्कुल इसका बैटर बिल्कुल मैंने तैयार कर लिया है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये जो पकौड़े के लिए ना मैंने ये तैयार कर लिया है बैटर, और ये गुलाब जामुन तो मैंने कल ही बना दिए थे, आप लोगों से शेयर भी किया था। तो अब देखिए यहाँ पे गुलाब जामुन कितना अच्छा लग रहा है, हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और पकौड़े जो बनने हैं ना तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दो पनीर निकाल लिए, और इसके अलावा आलू के प्याज के और जो भी चीजें होंगी जितनी भी सब्जियां घर में होंगी ना उन सबके पकौड़े बनने वाले हैं। और बस चलिए सबसे पहले मैं जा रही हूँ पुआ बनाने के लिए, और एक साइड मेरा देखिए गर्म हो रहा है, दूध आज लेट से आया है तो लेट से गर्म हो रहा है, और यहाँ पे मैंने ये चढ़ा भी दिया है, ऑयल चढ़ा दिया है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी पुआ, तो चलिए पुआ बनाते हैं इस टाइम पे। और मैंने सारी चीजें जो है ना जो कपड़े वगैरह हम लोग जो पहनेंगे वो मैंने निकाल दिए हैं, तो आप लोगों से चलिए दिखा भी देती हूँ कि कौन कौन से कपड़े जो हैं हम लोग पहनने वाले हैं। देखिए ये सारी चीजें, ये परी का है, ये प्रिंसू का है, और इनके लिए ये वाला कुर्ता पजामा है, और मैं ये वाला पहनने वाली हूँ कलरफुल, पूरा का पूरा ये कलरफुल ड्रेस है तो ये मैं पहनने वाली हूँ, सबका मैंने निकाल दिया है। तो ये सारी चीजें हम लोग पहनने वाले हैं, पहनने के बाद दिखाएंगे कैसा लग रहा है, और उसके बाद से हमारा होली होगा। तो चलिए इस टाइम पे तो खैर किचन में बहुत ज्यादा काम है, तो इस टाइम पे किचन में मैं आ गई हूँ, और चलिए बनाते हैं सबसे पहले पुआ पकौड़े और चिकन मटन जो भी बन रहा है, मटन बन रहा है हमारे यहाँ पे तो मटन बनाऊंगी, और दही बड़ा जो है वो बन चुका है, और उसके अलावा दही बड़ा के अलावा ये मैंने मिठाई जो बनाई थी तो मिठाइयाँ भी बन चुकी है तो वो तो मैंने रख दिया है, और ये सारी चीजें मैं फटाफट बनाती हूँ उसके बाद से रेडी भी होना है, तो फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। खुशी के आंसू है ना, मेरे दुख के आंसू है ना, होली के आंसू है, ये प्याज के आंसू है। वाह वाह वाह, क्या शेर मारा है। देखिए यहाँ पे कट रहा है प्याज, और यहाँ पे देखिए पूरा आंख भरा हुआ है, मैं देखिए कि पूरा आंख भरा हुआ है तो मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग इसकी कर लूँ, क्या बात है क्या नहीं बात है।
प्रिंस इधर आइए। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बना ली हैं, बस रह गए हैं मेरे पकोड़े बनाने के लिए, और पुआ जो है ना एक आध और बचा हुआ है तो वो भी अब कंप्लीट हो जाएगा। और सारा का सारा मैं अभी ही बना दे रही हूँ क्योंकि इसको बना के अच्छे से ढक के रख दूँगी ताकि काफ़ी देर तक गर्म भी रहेगा, तो ऐसे क्या होगा ना फिर बाद में बनाने का मौका भी नहीं मिल पाएगा जब सब लोग आने लगेंगे, होली हमारा जब स्टार्ट हो जाएगा ना तो बनाने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो बस यहाँ पे पनीर के पकौड़े भी बनाने मैंने स्टार्ट कर दिए हैं और एक तरफ इसको डाल दे रही हूँ, बाकी सारा जो काम है ना वो इसी बीच में मुझे टाइम मिल जा रहा है तो वो भी कर ले रही हूँ। और एक साइड में मेरा मटन भी रेडी हो चुका है, पनीर के थोड़े बहुत पकौड़े और बचे हुए हैं, और इसके बाद से ये जब हो जाएगा ना तो फिर अब हम चलते हैं रेडी होने के लिए। नहा के जो होता है ना पूजा भी करना होता है तो वो सब होगा, उसके बाद से रेडी होंगे, उसके बाद से अबीर गुलाल सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे यहाँ की परंपरा है कि अबीर गुलाल खेलने से पहले ना भगवान जी पे चढ़ाया जाता है, ड्राई फ्रूट जो होता है वो सब चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे और उनके पापा मिलके ये पूजा स्टार्ट कर दिए हैं। अब हमारे जो घर के देवता कुल हैं उनको पूजा करने के बाद अब हम अपने में होली स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे परी की होली, क्योंकि हमारे घर में परी अच्छी है इसलिए परी को लगाएंगे। परी पापा की परी है, फेवरेट कलर पिंक। बाबू आपको कौन सा कलर चाहिए? आपको फेवरेट ग्रीन है। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हेलो प्रिंसू, हैप्पी होली होली है। अब प्रिंसू लगा है पापा को माउथ में, बैठ जाइए थोड़ा तो बाबू लगा देगा। अरे वाह कितना सुंदर ये हो रहा है, हैप्पी होली, वाह। हेलो गाइस, और इस टाइम पे मैं भी हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। वैसे भी आपने देखा ना कि ये पूजा कर लिए थे नहाने के बाद से, और आप सभी को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार है, कलरफुल त्योहार है, और मैंने बहुत सारे रंग बिरंगे जो मेरे ड्रेस में ना बहुत सारे रंग बिरंगे कलर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं होली का फेस्टिवल। मैंने इनको भी कलर नहीं लगाया है, मैं एकदम अभी साफ साफ हूँ, अब इसके बाद से मुझे कलर लगेगा। और चलिए मैं जा रही हूँ अब सबको कलर लगाने के लिए, उसके बाद से अभी इतना पे एंड नहीं होगा। हम लोग जहाँ जहाँ अभी मतलब यहाँ पे जितने हमारे जान पहचान के हैं, जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के पास जाएंगे और वहाँ भी अपना होली सेलिब्रेट करेंगे। प्रिंसू आज बहुत हैप्पी है, बहुत ज्यादा हैप्पी है क्योंकि पापा और प्रिंसू उसके दोनों ने सेम ड्रेस पहना है, और उसके बाद से प्रिंसू बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहा है। परी आ गई है। और प्रिंसू का जो ड्रेस अप है ना, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये वाला पहनने वाला है, तो सेम कुर्ता है। और बताइएगा जरूर ये लग कैसा रहा है। हैप्पी होली प्रिंसू, इधर आइए, मम्मा लगाएगी। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, पहले ही बाद में इधर आ, हैप्पी होली, मम्मा लगाएगी। ये देखिए दोनों हाथ से लगा रहा है, पर रुक जाइए, मम्मा को पूरा लगा दिया। पुआ दीदी लगा रहे, दीदी इधर आइए, दीदी आप बहुत सबको लगा रहे हो, परी दीदी इधर आइए। हैप्पी होली परी, आपको कौन सा कलर पसंद है? बाबू बाबू भी भूत बना दी, भूत सूत परिपास। चलिए अभी हम लोग अपने में होली खेल लिए, बाप बेटा बीवी और तो गाइस ये थी हमारी फैमिली होली। उसके बाद हम चलते हैं फ्रेंड्स के पास,
उसके पहले हमारे घर पे ना हैप्पी कुछ फ्रेंड्स या फिर कुछ लोग आने वाले हैं, इनके जान पहचान के, हमारे जान पहचान के कुछ फ्रेंड सर्कल से हैं, तो वो लोग खेलेंगे उसके बाद जाएंगे, तो हम लोग वेट कर रहे हैं अभी। टाइम इस टाइम पे ना बोले थे आने के लिए, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। तो चलिए, उसके पहले मुझे कुछ रील वगैरह भी बनानी है, तो अगर आपको रील वगैरह वहां पे आप चेकआउट करिएगा, इंस्टा पे जाकर जरूर चेकआउट करिएगा होली के रील्स वगैरह, और जो भी चीज यहाँ नहीं देख पा रहे हैं वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मैं वो सब शूट कर लेती हूँ। और इनका इंस्टाग्राम कैंडल रहा इंडियन यूट्यूबर गुंजन, आप चेकआउट कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं फटाफट इंस्टाग्राम पे। जी हाँ।